नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के लोहरदगा जिले में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में गोली के साथ इंसास राइफल, देशी पिस्टल हुआ बरामद। लोहरदगा के बुलबुल जंगल पर झारखंड पुलिस चला रही है नक्सल ऑपरेशन। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी जा रही है जानकारी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और पिछले विगत दिनों में लगातार प्रेस के हमारे साथियों को इस संबंध में समय समय पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा ब्रीफ किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा बृहद अभियान लोहरदगा और लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त बलों के द्वारा रीजनल कमांडर रविंदर गंजू, मुनेश्वर गंजू, अग्नू गंजू, छोटू खैरवार, बलराम उराव और कई सारे इनामी कुख्यात माओवादी कमांडर और उनके दस्ते जो कि करीब 30-35 के संख्या में उस क्षेत्र में उपस्थित थे और उनके द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ और जो उस क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, बॉक्साइट की माइनिंग है, उन क्षेत्रों में विध्वंसक कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी आसूचना के क्रम में झारखंड पुलिस मुख्यालय और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देशानुसार एक बृहद अभियान की योजना बनाई गई और दिनांक 8 फरवरी 2022 से इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें झारखंड पुलिस के लोहरदगा और लातेहार जिला पुलिस के अतिरिक्त कोबरा 203 और 209 बटालियन की अलग अलग टीमें, सीआरपीएफ 150 बटालियन की 158 बटालियन की टीमें और झारखंड जगवार के विभिन्न असॉल्ट ग्रुप्स इस पूरे अभियान में शामिल थे। और ये अपने आप में, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है पूर्व में, एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि झारखंड पुलिस के लिए और सीआरपीएफ के लिए रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र बारूदी सुरंग से, प्रेशर आईडी से पूरा पटा हुआ है और विगत वर्षों में इस क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें अभियान के क्रम में सुरक्षा बल प्रेशर आईडी के चपेट में आने से घायल हुए हैं, कई सारे सिविलियंस और जानवरों की भी मृत्यु इस क्षेत्र में प्रेशर आईडी की चपेट में आने से हुई है। और ये जो उग्रवादी दस्ता था, इसके द्वारा विगत वर्षों में कई सारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है, जैसे कि धरदरिया में जो घटना हुई थी जिसमें 11 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसमें ये दस्ता शामिल था। इसके अतिरिक्त लुकैया टाड़ में जो घटना हुई थी जिसमें लातेहार जिला के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शहीद हुए थे, उसमें ये दस्ता शामिल था। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में कई सारी आगजनी की और हिंसक घटनाएं कारित की गई थी उग्रवादियों के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से रविंदर गंजू और उसकी टीम शामिल थी। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस क्षेत्र में अभियान करना, और सुरक्षा बलों ने पूरे दृढ़ता के साथ ये अभियान शुरू किया और आर पार की लड़ाई के रूप में इसको लिया। और दिनांक 8 फरवरी से ये अभियान शुरू हुआ और ये लगातार 12 दिनों तक ये अभियान लगातार चलते रहा। इसमें कई सारी कठिनाई भी पुलिस को और सुरक्षा बलों को आई, परंतु अभियान नहीं रोका गया। अभियान के क्रम में हमारे 3 बहादुर जवान आईडी के चपेट में आने से कोबरा बटालियन के 203 और 209 के जवान घायल हुए, जिन्हें तत्परता से बारूदी सुरंग के ढेर से, उस क्षेत्र से इवैक्यूएट कराकर उचित इलाज हेतु रांची लाया गया। और हमारे जवानों ने और पदाधिकारियों ने इस अभियान को जारी रखा।
12 दिनों के इस अभियान के क्रम में उग्रवादियों के साथ 10 बार मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के क्रम में उग्रवादियों के कई सारे बंकर जो उन्होंने उस क्षेत्र में बना के रखे हुए थे उसको ध्वस्त किया गया। घटनास्थल से निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा था कि कई जगह पर खून के धब्बे प्राप्त मिले, जिससे यह स्पष्ट था कि कई सारे उग्रवादियों को भी मुठभेड़ के क्रम में गोलियां लगी है। इसी क्रम में एक उग्रवादी जो सशस्त्र दस्ता का सदस्य था वो पुलिस के साथ मुठभेड़ के क्रम में मारा गया। जो वर्दीधारी था उसके पास से हथियार बरामद हुआ, काफी सारा गोली बारूद अन्य सामान बरामद हुआ और ये अभियान अनवरत चल रहा था। जो उग्रवादियों की जो सप्लाई चेन्स थी, जहां से उनको राशन पानी मिल रहा था, उन सभी क्षेत्रों में घेर कर पुलिस के द्वारा इस दस्ते को घेरा हुआ था। दस्ते के द्वारा लगातार पुलिस के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा था। आईडी ब्लास्ट किए जा रहे थे, फायरिंग्स की जा रही थी, बट संयुक्त बलों के द्वारा डटकर उस क्षेत्र में अभियान चलाया गया। हमारे जो जवान थे उनको लगातार मुख्यालय की ओर से, सेक्टर की ओर से एयर सपोर्ट भी दिया गया। जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर सप्लाई किया गया, आवश्यक जो सामान है, खाने पीने का सामान है, लेकिन जवानों ने पूरे हौसले के साथ इस अभियान को 12 दिनों तक चलाए रखा। और जब निर्णायक रूप से जो आखिरी मुठभेड़ इस दस्ते के साथ हुई, उसमें अपने आप को घिरा हुआ पाकर पूरा का पूरा दस्ता अपने पास, उनके पास जो हथियार थे, गोली थी, बारूद थी और अन्य जो सामान थे, उसको छोड़ के वहां से भागे। आप देख रहे हैं कि जो रिकवरीज हुई है वो ऐतिहासिक है। बहुत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, एमिनेशन और अन्य सामान जो है दस्ते का पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के बलों के द्वारा सीज किया गया। साथ साथ यह भी आसूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी कि उग्रवादियों के द्वारा पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ग्रामीणों को, क्षेत्र के ग्रामीणों को धमका कर, डरा कर, वो ग्रामीणों के रूप में फेस बनाकर उनके घरों में घुसे हुए हैं और उनके द्वारा ग्रामीणों को डराया गया है और उनको गांव से बाहर किया गया है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा छापामारी अभियान और सीआरपीएफ के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया और करीब 9 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। जब उनका सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि 9 लोग जो है वो इस पूरे दस्ते के सदस्य थे और सभी दुर्दांत नक्सली थे, जिसमें बलराम उरांव जो कि 10 लाख का इनामी है, जोनल कमांडर है, वो भी था। इसके साथ साथ दशरथ सिंह खैरवार जो सब जोनल कमांडर है, एरिया कमांडर मार्कुश नगेसिया, शैलेश्वर उरांव, मुकेश कोरवा, बीरेन कोरवा, शैलेंद्र नगेसिया, संजय नगेसिया और शीला खैरवार, इन 9 उग्रवादियों को उस क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य जो आपत्तिजनक सामान है उनको बरामद किया गया है। तत्पश्चात उनको विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, कांड दर्ज किए गए हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र जो है हमेशा उग्रवाद, नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव रहा है और पूर्व में भी जितने अभियान चलाए गए इस क्षेत्र में, उसमें पुलिस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में पूर्व में ये देखा जाता था कि अभियानों को जब भी हमें नुकसान होता था अभियान को रोक दिया जाता था, परंतु इस बार हमारे जो ग्राउंड कमांडर्स थे और हमारी जो लीडरशिप थी, हमारे जो जवान थे, उनका हौसला और आत्मविश्वास इतना बुलंद था कि उनके द्वारा ये कहा गया कि ये अभियान हम चालू रखेंगे और हमारे जो जवान, हमारे जो साथी जख्मी हुए हैं, उस दस्ते के खिलाफ हम लोग कारगर और आर पार की लड़ाई करेंगे।
और उसी मनोबल के साथ लगातार 12 दिनों के साथ इस क्षेत्र में संयुक्त बलों के द्वारा अभियान चलाए रखा और जिसमें कई सारे बंकर ध्वस्त हुए, भारी मात्रा में उन दस्ते के सारे हथियार, एमिनेशंस और बाकी जो सामान है वो जब्त किया गया। 9 कुख्यात और दुर्दांत उग्रवादियों की, जिसमें कि जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर रैंक के पद जो उग्रवादी है शामिल है, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ साथ एक उग्रवादी को मारा गया और जो घटनास्थल के निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि कई सारे अन्य और उग्रवादियों को भी गोली लगी है जो जख्मी है। और इन जो पकड़े गए उग्रवादी है उनके उनसे जो पूछताछ हुई है उसके आलोक में जो फर्दर सूचनाएं मिली है, जो इस दस्ते के जो शेष बचे हुए जो उग्रवादी है उनके खिलाफ संयुक्त बलों का ये अभियान जारी है। और हमारा ये संकल्प है कि हम लोग इस क्षेत्र को जो है इस उग्रवाद के जो ये जो नासूर है इससे हम लोग मुक्त कराने के लिए पूरे प्रयासरत है। इस पूरे अभियान में एसपी लोहरदगा प्रियंका मीना, एसपी लातेहार अंजनी अंजन, तो कमांडेंट CO203 श्री राजीव जी, CO209 कोबरा जो सुरेंद्र जी है, कोबरा CO158 प्रभात जी, और उनके अतिरिक्त DIG STF श्री अनूप बिरथरे जी, जोनल IG पंकज कंबोज जी और अन्य सही कई सारे जो ग्राउंड पे हमारे पदाधिकारी थे उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। और इस प्रयास से जो लगातार जो प्रयास किया गया है उसे ये भारी सफलता आज पुलिस को मिली है। और एक तरीके से इस क्षेत्र में जो ये उग्रवादी का दस्ता था जिसके द्वारा लगातार कई वर्षों से उस क्षेत्र में जो है हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे सिविलियंस भी परेशान थे, गांव वाले जब गांव में जाते थे IDs के चपेट में आते थे, कई सारे उसमें उनके जानवर है वो मर गए, तो उस इलाके को इस आतंक से मुक्त कराने में एक बहुत बड़ा योगदान इन सभी का रहा है। और एक हम लोग कई काफ़ी हद तक अपने प्रयास में सफल रहे हैं और जो बचे हुए नक्सली है उन्हें भी हम लोग ढूंढ कर उनके खिलाफ जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। थैंक यू। मैं इसके बाद सेक्टर IG CRPF श्री राजीव सर है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे का जो इसके संबंध में और जो ओवरऑल ब्रीफ है वो सर आप लोगों को देंगे। थैंक यू। CRPF और झारखंड पुलिस के लिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये एक मिसाल के रूप में है। इतना ऐतिहासिक, इसकी जो ड्यूरेशन थी 12 दिन, ये 12 दिन जनरली ऑपरेशंस नहीं चलते हैं, मेगा ऑपरेशन भी 3-4 दिनों में उसको खत्म किया जाता है, लेकिन इतने दिनों तक और बावजूद कि जो हमारे 3-3 सिपाही, 3-3 कोबरा के जवान, उन्होंने पहले IDs की चपेट में आ गए और उन्हें वो घायल हो गए, तो उनको यहाँ पर रांची हेलीकॉप्टर से लाया गया, उनकी जान बचाई गई। इसके बावजूद भी जवानों का जो मनोबल था और जिस ढंग से हम लोगों ने उनको रिफ्रेश रखा, उनको बार बार रोटेट किया, सारे नक्सली जो थे वो बिल्कुल ही हताश हो गए थे। उनमें रसद की कमी थी क्योंकि सारे जो जितनी भी लॉजिस्टिकल सप्लाई थी उसको हम लोगों ने बंद कर दिया, सारे गांवों को घेर लिया। तो इस तरह की एक जो ये चक्रव्यूह इस बार CRPF और झारखंड पुलिस ने इस बार रचा था उसमें ये नक्सली फंसते हुए नजर आए। और इसी दौरान इतिहास में इस तरह का बहुत कम हुआ है कि 12 दिन के अंदर में 10-10 एनकाउंटर हो। एनकाउंटर्स होते हैं बट बहुत दिनों के बाद होते हैं, लेकिन 12 दिन में 10 बार एनकाउंटर होना ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसमें सारे एनकाउंटर्स में CRPF या झारखंड पुलिस के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। ये देखते हुए कि जो लीडरशिप है
लीडरशिप जो यहाँ झारखंड सेक्टर हेडक्वार्टर और पुलिस हेडक्वार्टर के जो अमोल होमकर जी थे आईजी ऑफ, ये सारे अफसर हम लोग साथ बैठते थे और यहाँ पर 24 आवर्स हम लोग की वॉर रूम से मॉनिटरिंग होती थी। हमने सब कमांड सेंटर भी बनाए हुए थे लातेहार और लोहरदगा में, जहाँ की हमारे सीओ राजीव जी 203 के, सुरेंद्र जी 209 के और प्रभात संडवार जी सीओ 158, एसपी लोहरदगा प्रियंका मीना जी, एसपी लातेहार अंजनी अंजन जी, ये सारे लोग ग्राउंड पर पिछले 12 दिनों में लगातार 24 आवर्स ये काम किए हैं और हम लोगों के दिशा निर्देश पे और जो एक टाइमली इंफॉर्मेशन था जिसको देनी थी उसको देने पर जवानों ने फील्ड में इतना बेहतरीन काम किया है कि जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जगुआर झारखंड जगुआर और सैट की टीमें, झारखंड पुलिस की टीमें, इसके अलावा सीआरपीएफ के और भी बटालियंस थे जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया, वो सारे लोग सारे जितने कट ऑफ लगे हुए थे सभी पर लगे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एरिया में जहाँ की घुसना बहुत ही दुर्गम था, लैंडमाइन बिछे हुए थे, भूपी ट्रैप्स लगे हुए थे और यहाँ पर कभी भी हम अंदर कोर एरिया में नहीं जा पाते थे, इस बार नक्सल के बंकर को हाइड आउट को तोड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उस हाइड आउट में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रसद के सामान मिले, जिससे ये उद्गार होता है कि वो वहाँ पर बहुत आराम से अंदर में रह रहे थे और काफ़ी दिनों तक रह रहे थे। तो अब उम्मीद है कि ये अभियान के बाद जिस तरह से 9 कुख्यात उग्रवादी पकड़े गए हैं और एक का यह नुकसान हुआ है, उससे इस क्षेत्र में थोड़ी अमन शांति और फैलेगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कई लोग कई युवा जो पथ भ्रमित हो जाते हैं इस तरह से उस पथ पे जाने के लिए अब ये आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा कि कई लोग उसको उस जो गैंग है उसको छोड़ के इधर, झारखंड सरकार की अपनी एक बड़ी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, उसके तहत में हम उम्मीद करते हैं कि बड़े से बड़े नेता भी जो उनके उग्रवादियों के नेता बने हुए हैं वो इस तरफ आएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का अभियान अगर और चलता रहा तो उम्मीद है कि और भी क्षेत्र हैं झारखंड में जिनको कि हम इस तरह से करते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, बीच में नुकसान होते रहेंगे, ऐसी ये लुका छिपी का खेल है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक अभियान सफल ही होगा, लेकिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम इस नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पर जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए हम बिल्कुल ही तैयार हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे जवानों के बहुत ही बहादुरी का परिचायक है। वो 3 जवान जो घायल हुए उनसे मैं मिलने हॉस्पिटल जब गया और उनको बताया हम लोगों ने कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके पीछे लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में आज भी एनकाउंटर हुआ। उस जवान का उसके पैर कटे हुए थे लेकिन उसने ये बोला कि तो क्या सर उसी जगह एनकाउंटर हुआ जहाँ मेरा पैर गया, माने उसकी बहादुरी की एक मिसाल है। तो उन जवानों को हम सलाम करते हैं और उनके इस बलिदान को और इस तरह से जो इनके अंग में नुकसान पहुंचा है उसको हम आगे भी इसकी भरपाई करेंगे और आगे भी नक्सलियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कहते हुए मैं झारखंड पुलिस और अन्य जो एजेंसी रही हैं, खासकर जो सूचना विभाग है उसका भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। हमारे जेजे के डीआईजी हैं श्री अनूप बिनफरे जी, रांची के आईजी हैं श्री पंकज कंबोज जी, हमारे सेक्टर के भी ऑफिसर्स हैं डीआईजी ऑफ विजय शर्मा, डीआईजी रांची वीएस शर्मा, डीआईजी पलामू मिस्टर विनय नेगी, सभी लोगों ने मिलकर इस इतने बड़े ऑपरेशन को 2-4 लीडरशिप से नहीं होता है, पूरी एक टीम काम करती है। तो इस बार ये पूरी टीम सक्सेसफुल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद।
जो नक्सली मारा गया है उसकी पहचान हो पाई है या उसके परिवार वालों को? पहले पहचान में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन दिनेश नागेशिया इसका नाम है, पहचान भी हो गया और जो उग्रवादी पकड़े गए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कबूल किया है कि वो दिनेश नागेशिया ही है। रमदागंजों की जो पत्नी थी सर, अपने बच्चों लेके फरार हो गया, क्या कुछ उसकी जानकारी मिल पाई था? देखिए, अभियान मैंने जैसे बताया कि अभियान अभी भी चल रहा है और उग्रवादी जो है वो चूँकि तितर बितर हुए हैं, लगातार उनके साथ जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है पुलिस के साथ, उनके पूरे क्षेत्र को सीआरपीएफ के और झारखंड पुलिस के संयुक्त बलों के द्वारा घेरा डाला हुआ है, तो ऐसे में कई सारे संदिग्ध लोग पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा उस क्षेत्र से, जो खासकर जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था उस क्षेत्र से कई सारे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उसमें से 9 लोग जिनका सत्यापन हुआ और जो उग्रवादी दस्ता के सदस्य थे, जिनके बारे में आपको डिटेल में प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया गया है, पहचान होने के बाद उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और कुछ लोग थे जिनके अभी सत्यापन नहीं हुई थी, तो सत्यापन की कार्रवाई भी की जा रही है। और जहां तक आप इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास भी ऐसी सूचना है कि जो माओवादी कमांडर थे उनके साथ और भी कुछ थे, जो कि कुछ महिलाएँ थी जो कि दस्ते के सदस्य भी थे। अभी हम लोग इस, क्योंकि अभियान चल रहा है, इसका सत्यापन चल रहा है और जहाँ जहाँ आप लोगों को सूचना मिलती है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी इस टीम में शामिल थे 30-35 लोगों में, उस जितने भी लोग थे उनके खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है और उसके इसमें हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे और जैसे जैसे आगे इसमें जैसे आपको अपडेट किया जा रहा था वो हम लोग अपडेट आपको देते रहे। सर, सर, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन की बड़ी सफलता है, लेकिन इसमें आप टर्मिनेशन जो है वो आते कहाँ है और इस चेन सप्लाई को रोकना ये कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, आप चूंकि आप जानते हैं कि अभी ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और इस सप्लाई चेन को लेके झारखंड एटीएस ने विगत कुछ दिनों में बहुत अच्छी कार्रवाई भी की है, जो आप सभी को आप सभी जानते हैं। और इसमें जो गिरोह शामिल थे और इनके जो किंग पिंस थे उनको झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा पकड़ा भी गया है और इसमें एक बड़े नेटवर्क का खुलासा पुलिस के द्वारा किया था, जो कि ना केवल आपराधिक गिरोहों को बल्कि संगठित आपराधिक गिरोहों के साथ साथ नक्सलियों को भी, जो हथियार और गोली बारूद सप्लाई करते थे, वो केस अभी एनआईए को ट्रांसफ़र हुआ है। एनआईए फर्दर आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसमें कई सारे लिंक्स जो झारखंड एटीएस के द्वारा ऑलरेडी जिसमें काम किया गया और कई सारे लोगों को भी गिरफ्तारी की गई है। और ये निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है और इस पर हम लोग आगे भी वर्क कर रहे हैं और जैसे जैसे हम लोगों को लिंक्स मिलते हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आईडीज के फोटोज आए थे, मिले थे, ग्रेनेड के फोटोज नहीं है। आप लगता है आपको कोई दूसरे किसी ने ये हो गया, तो आईडीज और बाकी जो भी इस तरीके का एक्सप्लोजिव सामान मिला है उसको, चूंकि झारखंड इस पूरे अभियान में, निश्चित रूप से मैं एक और पार्ट मिस कर गया था, इस पूरे अभियान में झारखंड जगवार की जो BDDS टीम्स थी, जो बम डिस्पोजल की टीम्स रहती है, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान और बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र एक तरीके से माइंस फील्ड था और जहां भी आप पैर रखे वहां ये हमेशा खतरा रहता था कि कहीं वहां पे आईडी लगा हो सकता है और आपको नुकसान होने का भी डर रहता था। इसमें BDDS की जो टीम्स थी हमारी और जो हमारे डॉग स्क्वाड्स थे, CRPS के जो डॉग स्क्वाड साथ में थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ जहाँ हम लोगों को डिटेक्ट हुए माइंस उसको वहीं पे डिस्पोजल किया गया, उनको वहीं पे जो है विनष्टीकरण किया गया और जो रिकवरीज भी हुई जिसमें इस तरीके के एक्सप्लोजिव आइटम्स थे उनको इन सीटू जो है उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है और फिर आगे जो उसमें लीगल प्रोसीजर होती है केस के अनुसंधान में वो कार्रवाई उसमें की गई है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, GN भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।